हे गाइस, दिस इज ओम एंड यू आर वाचिंग एमआरएससी लॉक्स। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जो है टीवीएस राइडर 125 के बारे में जो है रिव्यू करने वाले हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे ब्रेकिंग सिस्टम की, तो एबीएस तो नहीं मिलता बट डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिल जाता है। फ्रंट टायर साइज आपको 80x100 17 इंच की ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। ऐसी कुछ इसमें इंजन कॉल भी देखने को मिल जाती है। और इसकी इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 125 सीसी में ये बाइक आती है। रियर साइड में बड़ा सा साइलेंसर मिल जाता है और यहाँ पर इसकी मैं साउंड भी आपको सुना कर दिखाऊंगा। पीछे आप देख सकते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आती है विथ LED लाइट, और यहाँ पर सीट खोलने का की घुसेड़ने का दिखा हुआ है। पीछे आपके टायर साइज़ की बात करें तो 100x90 17 इंच की ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। टायर साइज़ आपको एवरेज मिल जाती है, अच्छी है। इसकी चेनिस पॉकेट यहाँ पर देख लो, 100x97 की ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये जो है फिफ्थ गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है विथ FI, सारा कुछ भर भर के मिला हुआ है। तो TVS की बाइक, और इसकी जो है वेटिंग की बात करें तो आप इसको नॉर्मली परचेस नहीं कर सकते हैं। बाकी बाइक्स की तरह इसको आप जो है बुकिंग के तौर पर ही खरीद पाएंगे, और जिसमें जो है बुकिंग वेट, इसकी वेटिंग टाइम की बात करें तो 3 से 4 महीने अभी हमारे एरिया में है बिलासपुर में, बाकी आपके एरिया में आप पता कर सकते हैं। मीटर कंसोल आपकी फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाते हैं यहीं पर। इसकी मोबाइल चार्जिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कनेक्ट करके आप जो है अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको डिस्प्ले में मिल गई होगी, 1.45 कुछ 10 लीटर्स के आसपास है। तो इसकी जो है इंजन स्पेक्स की बात करें तो ये भी आपको डिस्प्ले में सो रही होगी, इसके बारे में जो है हम बात नहीं करेंगे। बाकी बात करें माइलेज की, यार तो इस बाइक को अगर आप नॉर्मली राइड करते हैं तो 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आराम से निकाल सकती है। एक एंट्री लेवल की स्पोर्ट्स बाइक अभी तक यही हुई है। हालांकि NS125 भी आती है बट उसमें इतने खास फीचर्स वगैरह नहीं मिलते जो इसमें मिल जाते हैं आपको विथ स्पोर्टी नेचर। तो इसको जो है हम स्टार्ट करके आपको जो है साउंड वगैरह भी सुना दूंगा। हालांकि इसमें जो है LED हेडलाइट आता है विद DRL, और इसकी डिज़ाइन मैंने पहले ही दिखा दिया था। तो अगर हम साउंड वगैरह सुना दूँ, देख लो पीछे ऐसा कुछ है, चालू पहले कर लेंगे उसके बाद जो मैं सुनाता हूँ आपको। राइडर जी तो गाइज, आपने जो है साउंड वगैरह तो सुन लिया है। तो इसके इंजन स्पेक्स में हमने पहले डिटेल में बात कर रखा है। इस बाइक की प्राइसिंग की बात करें तो ये भी स्क्रीन पर शो होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।